तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं रात की बची हुई रोटियों से कुछ मज़ेदार रेसिपी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इन रात की बची हुई रोटियों से क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लेना है कढ़ाई, आप पैन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई को मैंने गैस में रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, घी डालेंगे तो और भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको हाथ से चेक करूँगी जो हमारा ऑयल है वो गर्म हुआ है अच्छे से या नहीं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रात की बची हुई रोटियाँ हैं, आप इसमें ताज़ी रोटियाँ भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 रोटियाँ ली हैं। तो ये देखिए, इन रोटियों को हम अच्छे से क्या करेंगे, जब तक ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो हम इनको रोटियों को अच्छे से इसमें तल लेंगे। तो ये देखिए, हाथ से चेक कर लेंगे कि ऑयल है जो कितना गर्म हुआ है। तो ये देखिए, जो ऑयल है वो हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम रोटियों को डालकर इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, रोटियां डालते ही अच्छे से सिकना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, आप इसको सावधानी से करें वरना तेल है जो आपके ऊपर आ सकता है, इसलिए आप इस काम को अच्छे से करें। तो इसको हम सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप रोटी को ताज़ा लेंगे तो वो गुब्बारे की जैसे फूल कर तैयार हो जाएगी, पर ये रात की बची हुई रोटी है तो उसमें से कुछ फूलेगी कुछ नहीं। तो ये देखिए, जो रोटी है वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए। तो ये देखिए, जो कि रोटी है वो अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, ये आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छे से सुनहरा हो चुकी है, ये देखिए। तो हमें सारी रोटियों को इसी तरह से अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है, हमें इसको अच्छे से निकालना है, इसमें जो ऑयल अंदर चला जाता है वो भी अच्छे से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरी रोटी को भी डाल दिया, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको अब बस यहाँ पर मैंने इसको पलट दिया है, ये भी एक साइड से अच्छे से सुनहरा हो चुकी है, ये देखिए ये फूल चुकी है। तो ये देखिए, सभी रोटियों को इसी प्रकार से हम अच्छे से तल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को अच्छे से तल लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें गैस के फ्लेम को बढ़ाना नहीं है, तो वरना तो जो हमारी रोटियाँ हैं वो आधी कच्ची और आधी पक जाएंगी, तो इसलिए हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए, सारी रोटी अच्छे से तल कर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, इनको ऐसे ही सुनहरा करना है। तो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएँ, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और इस मज़ेदार रेसिपी को एंड तक देखते रहिए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ इन रात की बची हुई रोटियों से। तो ये देखिए, सारी रोटी क्रिस्पी हो चुकी हैं, तो अब हम इनको अच्छे से तोड़ लेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर इन तली हुई रोटियों को आप किसी सब्जी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, पर आज हम इसको ऐसे नहीं खाएंगे, हमें इसकी एक मज़ेदार रेसिपी बनाना है। तो वीडियो में पूरा बने रहें और एंड तक देखें कि क्या बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, सारी रोटियों को मैंने अच्छे से हाथों से रफली तोड़ लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से मोटा मोटा मैंने इसको तोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है मिक्सी का जार। तो ये देखिए, ये मोटा मोटा मैंने इसको अच्छे से तोड़ लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार, एंड मिक्सी के जार में हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी का जार ले लिया है यहाँ पर, और मैं सारी रोटी को, जितनी भी हमने 4 रोटियों को तोड़ा था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से। तो ये देखिए, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा इस मज़ेदार रेसिपी के बारे में। तो ये देखिए, तो बस इसको हमें अच्छे से, देखिए देखिए कितना अच्छे से पाउडर बन चुका है। तो अगर आप रोटियों को अच्छे से प्रॉपरली तलेंगे तो वो इस तरह से अच्छे से पाउडर बन जाएगा। तो ये देखिए, तो इसको दरदरा मैंने पीस लिया है। तो ये देखिए, कितने अच्छे से फाइन हो गया है ये। तो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको निकालने के बाद हम इसको साइड में रखेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप रोटियों को ठंडा होने के बाद ही उनको अच्छे से तोड़ें, तब वो जाकर क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, और इस पैन को मैंने यहाँ पर लो फ्लेम रखा है अभी। तो यहाँ पर मैंने ली है एक कटोरी चीनी, तो इसको हम हाफ डालकर इसको अच्छे से क्रेमलाइज करेंगे। तो ये देखिए,
बिल्कुल, हमें इसको कैरमल जैसा बनाना है। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पर हम फ्लेम को बढ़ा देंगे ताकि जो चीनी का है वो अच्छे से कैरमल बन जाए। तो ये देखिए बनना स्टार्ट हो चुका फ्रेंड्स। जब आप इस रेसिपी बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी, और अपने रिलेटिव एंड फैमिली मेम्बर्स सभी के साथ शेयर करें। तो ये देखिए जो चीनी है वो हमारी वो कैरमलाइज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए, कितने अच्छे से ये। तो फ्रेंड्स देखिए, चीनी पूरी तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस यहाँ पर आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है और हमें इसे एक से डेढ़ मिनट तक इसको अच्छे से ऐसे ही हो जाएगा। डेढ़ मिनट में कैरमलाइज बनना स्टार्ट हो जाएगा चीनी का। तो ये देखिए कितने अच्छे से कैरमलाइज हो चुकी है। तो बस हमें इसको ऐसे ही मिक्स करते रहना है। तो ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से ये प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। तो बस यहाँ पर हमने एक गिलास दूध लिया है, उसको हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक गिलास दूध को यहाँ पर मैंने डाल दिया है, ये देखिए। बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी थिक हो चुकी है ये चीनी, पर ये गड़बड़ नहीं हुआ है, इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, हमें इसको बस मिक्स करना है। तो यहाँ पर जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है दूध में। तो ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो हमें इसको अच्छे ही धीरे धीरे मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर बताएं, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसको भी कमेंट बताएं, और अपनी रेसिपी को मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं भी आपकी रेसिपी को अपने वीडियो में दिखा सकूँ। तो ये देखिए बस एक बॉइल आने तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें लेमन की दो बूंद डाल देंगे। इसमें हमें दूध को फाड़ना नहीं है पूरी तरह से, सिर्फ हमें एक से दो बूंद ही डालना है ताकि हल्का हल्का फटे, ज़्यादा नहीं फाड़ना है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह से हमें इसको रखना है ताकि जो रोटियों से हम रेसिपी बनाने वाले हैं उसमें ऐसा ही हमें मिल्क चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए। तो ये देखिए अब जो रोटी का पाउडर है वो हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ मिल्क केक, जो कि हम बची हुई रोटियों से बनाने वाले हैं। आप इसको ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं, पर मैं आपको बता दूँ अगर आप इसको बनाएंगे तो आप इसको पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इसको रोटी से बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप देखा होगा जो मार्केट में मिलता है मिल्क केक, उसमें जो दरदरा रहता है, दाने दाने से उभरे रहते हैं, तो इसमें वैसा ही टेस्ट आएगा, इसलिए हमें इसको रफली ही पीसना था इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने चीनी को बचा कर रखा था अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे ताकि जो कि हमारे जो मिल्क केक है वो अच्छे से शाइन करे। तो यहाँ पर मैंने डाला है उसके लिए एक चम्मच घी, एंड ऊपर से मैंने डाला है चीनी को। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम को आप लो ही रखें, वरना जो केक है वो हमारा मिल्क केक है वो जल जाएगा, तो इसलिए फ्लेम को लो ही रखें। तो ये देखिए बस हमें इसको 3 से 4 मिनट ऐसे ही लो फ्लेम में अच्छे से कुक कर लेना है, ये देखिए, ताकि जो चीनी और घी हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हो चुका है। तो हमें इसको गर्म ही गर्म इसको हमें ट्रांसफ़र करना है। आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, पलेट को ले सकते हैं, केक टेन को ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर किया है टिफ़िन का यूज़। अब मैं इसमें डालूंगी फॉल। तो ये देखिए मैंने इसमें फॉल को लगा दिया है, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है अच्छे से, इससे क्या होगा हमारा मिल्क केक वो अच्छे से आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए इसको मैंने लगा दिया है, अब हम इसमें इसको गर्म ही गर्म इसको अच्छे से सेट कर देंगे, अगर इसको ठंडा करेंगे तो सेट नहीं हो पाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है और इसको जल्दी से सेट कर देंगे।
तो इसको ऐसे करेंगे। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये मिल्क केक की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर दिया है। ये देखिए, इसको दबा देंगे अच्छे से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आप फ्रेंड्स पहचान नहीं पाएंगे ये कि ये रोटी से बना है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको निकाल दें। आप इसको फ्रिज में भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। वैसे सर्दियाँ हैं, ये वैसे भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है चारों तरफ से। बस ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको अच्छे से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप देख सकते हैं जो केक है वो हमारा मिल्क केक, वो अच्छे से रोटी से बना केक जो वो अच्छे से सेट हो चुका है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना, तो आप इसको बार बार बना कर खाएंगे, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, मैं आपको काट कर दिखाती हूँ इसके पीसेस। ये देखिए कितने अच्छे से और आसानी से कट जा रहे हैं। ये देखिए, इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल मिल्क केक जैसा है, उसका टेस्ट भी वैसा ही है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कितने आसानी से इसके पीसेस कट जा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, जैसे मिल्क केक में दाने दाने इसके ऊपर रहते हैं ना, मोटा मोटा रहता है, ये उसी तरह से बना हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा हमारा बची हुई रोटियों से मिल्क केक रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितना देखने में कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप अपने कमेंट्स को मेरे साथ शेयर करें और आपको बताएं मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए, जब तक आप इस रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना तक बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आप इसको एंजॉय कीजिए और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।